सकती है। राजेश राठौर, यहाँ पर अब स्पेशल स्टेटस की डिमांड अगर नीतीश कुमार उठा रहे हैं तो कैसे धोखा दे सकते हैं वो? भाई ये मांग तो आपके समय में भी होती रही लेकिन नहीं सुनी गई उस वक्त नीतीश कुमार की। पूजा जी, कई सवाल हैं, कुछ सवाल आपके हैं और अधिक सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी का था कि बिहार को धरधराहट से बाहर निकाले हैं। अभी आपने देखा है, बड़े वरिष्ठ दो पत्रकार हैं सामने में, कि बिहार में 11 दिन में 5 बड़े पुल उद्घाटन से पहले ध्वस्त हो गए, उसका कारण जेडीयू और भाजपा के 30% कमीशन की सरकार। उन्होंने रेलवे की चर्चा किया, हम इस बात को साधुवाद देते हैं कि नीतीश जी रेल मंत्री हों, रामविलास जी हों या लालू यादव जी हों, जब वो रेल मंत्री थे तो बिहार से अनेक रेल चला, इसलिए चूंकि बाहर सबसे ज़्यादा पलायन बिहार के लोग करते हैं। 10 साल में बता दें धनंजय गिरी जी जो कोई नई ट्रेन बिहार से निकली क्या। तीसरा, इन्होंने कई लाख करोड़ की योजना गिना दिया। नीतीश कुमार जी 2015 में हमारे साथ थे और नरेंद्र मोदी आए तो आरा की मैदान से बोली लगाए तो 1,60,000 करोड़ पे बोली रुक गई थी। ठीक उसके कल होके बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री, अब के भी मुख्यमंत्री, हर रोज लगभग 28 दिन अखबारों के फ्रंट पेज पर विज्ञापन के जरिए देश को बताया कि नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, किसी विभाग में पैसा नहीं दिए, हम वहां नहीं जाते, हम पुरानी बात को नहीं खोलते हैं। सबसे बड़ी चुनौती अब नीतीश कुमार जी के पास है। अगर नीतीश कुमार जी स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं तो हम सब पहले से साथ हैं, यूपीए कार्यकाल से साथ हैं, बिहार विधानसभा जो पास होकर गया है, दोनों सदनों से गया जब राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री थी, तो ये मांग भारतीय जनता पार्टी भी कर रही थी, हम लोग भी कर रहे हैं, नीतीश जी भी कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर नहीं मिला तो नीतीश जी क्या करेंगे। दूसरा, जो 35% आरक्षण का दायरा बढ़ा है, अगर 9वीं सूची में केंद्र सरकार नहीं डालती है तब नीतीश कुमार क्या करेंगे, भाजपा के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये चुनौती नीतीश कुमार के पास नहीं, नीतीश कुमार के पास बड़ी चुनौती है, न उनके लिए आरक्षण चुनौती है, न विशेष राज्य का दर्जा चुनौती है, न महत्व है उनके लिए। उनके लिए सबसे बड़ा महत्व है कि अपनी खोई प्रतिष्ठा को कैसे वापस लाए। पहली बार हुआ है कि जेडीयू 16 सीट के जीत कर भी दबाव में था, लेकिन इस बार हार करके यानी कि 16 से 12 पर भी आ गया तो उत्साहित है, सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ भारी गिरा है, वो बहुमत से दूर रहे हैं, तो उनके लिए तो प्रतिष्ठा का कोई सवाल ही नहीं बचा। राजेश जी कर सकते हैं, उनके लिए तो प्रतिष्ठा का कोई सवाल नहीं बचा, लोकसभा में और मजबूत होकर ही उभरी है ना। बिल्कुल पूजा जी, हम वही जा रहे हैं, प्रतिष्ठा के सवाल क्यों है कि 2020 में जब हम लोग चुनाव नीतीश जी से अलग लड़ रहे थे, तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ रहे थे, तो हम लोग ने भारी लड़ाई दी, बहुमत से कुछ कम आंकड़े के हम लोग रह गए। आप 11 राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे देते हैं, बिहार को छोड़ देते हैं। 10 साल से नीतीश कुमार आपके सामने टाइम मांगते रहे, टाइम नहीं दी गया, उनकी नहीं सुनी गई स्पेशल स्टेटस की मांग। 10 साल आप भी तो रहे ना सरकार में, तो आप कौन सा दिलवा पाए। भारतीय जनता, बस आप अच्छी बात सवाल कर रहे हैं पूजा जी, तो यही बात तो नीतीश कुमार जी कह दे कि पिछले 10 सालों में नहीं मिला तो अभी हम नहीं मांगेंगे, पिछले 10 साल में क्या हुआ उस बुनियाद पे हम यहाँ रहेंगे, तो पेपर लीक तो पिछले 10 साल पहले नहीं हुआ था, अभी पेपर लीक हुआ तो उसका निदान हम निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। उद्घाटन से पहले हो रहा है तो उसको निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, या करप्शन की सरकार से निजात कैसे हो, ये जरूर है। दूसरा, हम बता रहे हैं कि मात्र 43 सीट नीतीश कुमार जीते तो उनकी एक इच्छा है किसी प्रकार से हम 60-70 सीट जीत ले, लेकिन वो जीतेंगे नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग समझते हैं कि देश में अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव हुआ है, अगर 400 पार के नारे नहीं लगते तो नरेंद्र मोदी को इतना सीट नहीं। तो उसी प्रकार बिहार नीतीश कुमार के खिलाफ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व नहीं लड़ना चाहती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को अपना कुर्सी बचाए रखना है, इसलिए नरेंद्र मोदी उनके साथ है। चले 10 सेकंड धनंजय जी आपको दे रही, उसके बाद परिमल जी आपके पास आऊंगी, बोलिए धनंजय जी। पूजा जी, कांग्रेस करप्शन का पर्याय है कि कांग्रेस ही करप्शन है, इस देश की जनता कंफ्यूज हो गई और कंफ्यूज होने का नतीजा यह है कि 40 साल से कांग्रेस को 240 सीटें नहीं मिली। आप अपने समय में बोला करें, बीच में नहीं आ रहे, आप करप्शन की बात करते हैं। राजेश जी, ये फॉर्मेट नहीं है मेरे प्रोग्राम का। अच्छा नहीं लगता, अपने समय में बोला करिए। आपको किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, तो आपसे मैं अभी यही उम्मीद रखती हूँ। धनंजय जी बोलिए, 10 सेकंड जल्दी से। राजेश जी उस पार्टी के नेता हैं जिसके नेता आदरणीय राहुल गांधी और परम आदरणीय सोनिया गांधी 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड केस में दोनों जमानत पर चल रहे हैं
और दूसरे पार्टी जो हमारे साथ खड़े उससे चार चार मामलों में कोर्ट से सजा याफ्ता है। तो ऐसे तमाम चीजों के बीच में अगर ये लोग करप्शन पर बात करें तो कितना हास्यास्पद लगता है, ये कॉमेडी से भी ज्यादा खतरनाक। चलिए ठीक है, वापस अपने विषय पर आते हैं, वापस अपने विषय पर आ रही हूं।